हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार कल आमिर खान ने अपनी अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया। यानी कि उनका ऐसा कहना है कि 14 अप्रैल तक हम लोग इस पर्टिकुलर मूवी को रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि मूवी की जो शूटिंग है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो ऐसी कौन सी मूवी है भाई जो ये बनाते ही जा रहे, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, पिछले 3 सालों से ये पर्टिकुलर मूवी बनी रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको सीधी बात तो जो कोई नहीं बताएगा, सच बात तो ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 के सामने अपनी मूवी रिलीज करना किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है केजीएफ चैप्टर 2 इस साल की वन ऑफ दी मोस्ट अवेटेड मूवी है, और बॉक्स ऑफिस में जो तबाही केजीएफ चैप्टर 2 मचाने वाली है शायद ही कोई मूवी बचाए। मैं आरआरआर और आदि पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग लेवल की मूवी है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 हमारे लिए इमोशंस है। तो आमिर खान ने सही डिसीजन लिया, इस पर्टिकुलर मूवी से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि इम्पॉसिबल। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम मूवी का रीमेक है। फॉरेस्ट गम हॉलीवुड में बहुत ही सुपरहिट मूवी थी, और टॉम हैंक्स ने उसमें जो परफॉर्मेंस किया, और जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी इमोशनल राइड अपने आपको लेकर चले आती है जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बट लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी दूसरी थग्स ऑफ हिंदुस्तान ना बन जाए, मुझे इस बात का डर है। रीमेक तो गई भाड़ में। उसके अलावा केजीएफ चैप्टर 2 अभी भी सोलो रिलीज हो रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के साथ अब रिलीज हो रही है शाहिद कपूर की जर्सी। और जर्सी पिक्चर को लेकर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार जब वो दिसंबर में रिलीज होने वाली थी तब भी उस पर्टिकुलर मूवी को लेकर कोई हाइप नहीं थी, और अब जब वो केजीएफ चैप्टर 2 के साथ आ रही है तब भी इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर कुछ हाइप नहीं है। क्योंकि अब ये साल और आने वाले कुछ सालों में एक चीज तो मैं आपको एश्योर बता सकता हूँ कि बॉलीवुड में जितनी भी ऑडियंस है जो हिंदी मूवीज देखती है, अब वो लोग डायरेक्ट साउथ की मूवीज देख रहे, तो उनको रीमेक देखने में मजा नहीं आने वाला। तो कुल मिला के कबीर सिंह जिस तरह से चली है वो मैजिक हमें जर्सी में देखने को नहीं मिलेगा, इतना तो मुझे पक्का पता है, और वो हाइप भी हमें नजर नहीं आती है। तो अब केजीएफ चैप्टर 2 के सामने जर्सी की क्या बैंड बजती है, या जर्सी वाकई में अच्छी मूवी निकल के सामने आती है। जर्सी ओरिजिनल तो अच्छी थी, लेकिन रीमेक को ऑडियंस किस तरह से लेती है वो देखने वाली बात होगी। तो देखते 14 अप्रैल को क्या होता है। खैर अब बात करेंगे शाहरुख खान की। देखो शाहरुख खान से रिलेटेड 2 अपडेट है। सबसे पहले अपडेट ये है कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन के बैनर में बनने वाली मूवी लव हॉटस्टार का ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें हमें विक्रांत माथुर, सानिया मल्होत्रा और बॉबी देओल देखने को मिलेंगे। मूवी का सब्जेक्ट ऑनर किलिंग पर बेस्ड है, और ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो मूवी इसी मंथ यानी कि 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है Zee5 पर। शाहरुख खान से रिलेटेड एक दूसरी अपडेट है, वो ये कि उनकी मूवी पठान का एक फॉरेन शेड्यूल बाकी है, जिसमें हमें जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और हमारे फेवरेट शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर मूवी की शूटिंग स्पेन में करेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के महीने में, और शायद वो उनका लास्ट शेड्यूल होगा इस पर्टिकुलर मूवी का। देखते हैं पठान मूवी जब रिलीज होगी तब का देख। फिलहाल तो ये अपडेट सुनकर ही मजा आ गया। और अगर आप पठान की बात हो तो Tiger 3 की भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एक ही यूनिवर्स यानी कि स्पाई यूनिवर्स की ही मूवी है। तो Tiger 3 से एक ही अपडेट है कि भाई ट्यूजडे यानी कि कल शाम को सलमान खान और कैटरीना कैफ दिल्ली पहुंचे हैं Tiger 3 के लास्ट शेड्यूल को शूट करने के लिए, जो कि अगेन फैंस के लिए गुड न्यूज है। Tiger 3 के लिए कितने लोग वेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई। अगर मूवी के अपडेट से आपका पेट ना भरा हो तो हम लोग कुछ वेब सीरीज की बात करेंगे, यानी कि कुछ सीजन 2 की, कुछ सीजन 3 की बात करेंगे जो हमें इस साल और अगले साल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आश्रम सीजन 2 की। आश्रम सीजन 1 का Chapter 1 लोगों ने पसंद किया, Chapter 2 पसंद किया, लेकिन अब बारी है सीजन 2 की, जिसकी शूटिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि मिड ऑफ 2022 यानी कि इसी साल के बीच में यानी कि जुलाई या अगस्त में हमें ये पर्टिकुलर सीजन 2 देखने को मिलेगा। आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करेंगे Mirzapur 3 की। तो देखो यार सबसे ऑनेस्ट बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि Mirzapur सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अली फजल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि भाई Mirzapur सीजन 3 की शूटिंग शुरू तो नहीं हुई है, बट वो लोग इसी साल इस पर्टिकुलर सीजन 3 की शूटिंग शुरू करेंगे, मे बी अप्रैल या मई में, उससे पहले कोई शूटिंग वीटिंग कुछ नहीं होने वाली है। अगर Mirzapur सीजन 3 की रिलीज डेट की बात को तो ये हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी। खैर अगर बात करेंगे ब्रीथ सीजन 3 की, तो देखो सीजन 1 की कहानी बिल्कुल अलग थी, जिसमें हमें आर वाधवान और अमित शाह नजर आए थे, लेकिन अगर सीजन 2 की बात करें अभिषेक बच्चन की, तो वो जिस क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था वहां से हमें सीजन 3 की कहानी देखने मिलेगी, और सीजन 3 की शूटिंग कंटिन्यू चल ही रही है। तो ऐसा मान के चलो कि इस साल के एंड में यानी कि नवंबर तक हमें ब्रीथ सीजन 3 भी देखने को मिल जाएगा। खैर फाइनली असुर सीजन 2 की बात करो, तो देखो यार असुर सीजन 1 लोगों को बहुत पसंद आया था, और उसके सीजन 2 की शूटिंग 2021 में ही स्टार्ट हो गई थी, और 2022 के जनवरी में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज पर है। और मानो या ना मानो बट कुछ ही महीनों में असुर 2 की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी,
और ये इसी साल रिलीज होगा, इसको लोग और नहीं खींचेंगे, क्योंकि और खींचेंगे तो फिर वो तो फिर बकवास हो जाएगा। उसके अलावा फेबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के सीजन 2, देखो यार सीजन 1 तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन सीजन 2 की शूटिंग चल रही है और ये भी हमें इसी साल देखने को मिलेगा। तो ये तो थी कुछ वेब सीरीज से रिलेटेड अपडेट। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो आप लोगिंग मरती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।